अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल ऐन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और हम लेकर आए हैं आपके लिए टू चैट पर मबनी एक रोड शो, जिसमें हम परखेंगे लोगों का आईक्यू लेवल और जानेंगे कि उनके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा है। मैं करूंगी दो बड़े इंटरेस्टिंग से सवालात, वो ये कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती, और दूसरा सवाल होगा कि समुंदर के दरमियान में क्या होता है। और हाँ, अगर इन सवालात के जवाब आपको आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आते तो जवाब जानने के लिए हमारे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आखिर तक जाते जाते आप बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में आज सबसे पहले कौन मिलता है और जानते हैं कि उसके अंदर कितना टैलेंट छुपा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं? मैं इधर रैंडम स्टोर पे जॉब करता हूँ। अभी इधर क्या कर रहे हैं मार्केट में? अभी वैसे मार्केट का विजिट कर रहे थे, खाना वगैरह खाया है। विजिट कर रहे हैं क्यों? आप ठेकेदार हैं या कोई? नहीं, ठेकेदार तो नहीं है, खाना खाया तो बस जरा उसको हजम कर अच्छा, रहे हैं। हजम करने के लिए खाना आया तो अच्छी बात है, हजम करना भी चाहिए। अच्छा, तो बताएं आपकी कॉमन सेंस कितनी, आई क्यू लेवल कितना अच्छा है? ये आप सवाल पूछ के चेक कर सकती हैं। अच्छा जी, चले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। बल्लो जी भाई बता जरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती? बड़ा सिंपल सवाल है। लड़के के बगैर। कमाल हो गया। लड़के के बगैर जी। नहीं तो लड़के तो बहुत से होंगे, मतलब लड़के के बगैर नहीं क्या? लड़का होगा तो लड़की की शादी होगी ना, लड़का होना जरूरी है शादी के लिए। मैं सोचे में भी की और चीज हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई थिंक लड़का जरूरी है सबसे पहले। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा बताइए, आपका आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो, आपको लगता है कि आप अगर ये जो अपना कर रहे होते तो क्या होती आप? आई थिंक पॉलिटिशियन। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़े? पॉलिटिशियन। तो अच्छा, किसी पॉलिटिशियन का फिर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट आप दिखाएं ना, इमरान खान की मिमिक्री या किसी और की करके दिखाएं? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं होगा खैर, लेकिन जो मेरी सेंस है उसके मुताबिक अगर ये मैं ना करता तो मैं पॉलिटिक्स में जाता। अच्छा चलिए, आप सुनाएं, क्या सुनाएंगे हमें? चलिए आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। कोई दिल टूटा है, कोई आशिक लग रहे हैं, क्या सीन हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं सीन हुआ, बस आई लाइक स्लो म्यूजिक। अच्छा तो हाँ, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या करते हैं? छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस है छोटा सा बिजनेस है बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह से बिजनेस रन कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या रूटीन है? बस पिछले 30 साल से तो जी सुबह शॉप खोलनी है, रात को घर जाना, सुबह शॉप करनी रात को घर जाना। इसके अलावा कोई काम वेले ही होते हैं मतलब? जी बिल्कुल, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है क्योंकि इस तरह का वेले होना सबसे बड़ा काम है। वेले होना जो कुछ नहीं हुआ करता वो कमाल करता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आप कमाल करते हैं, क्या कमाल करते हैं? कमाल ये करते हैं कि सुबह चाबियां नजर आती हैं और जैसे कोलू का बैल नहीं होता वो जब तेल निकालते हैं वो हाल हमारा होता है। अच्छा। नाश्ते के बाद जनाब चाबियां सामने खड़ी होती है, चल भाई आंखों में पट्टी बांध लो, घूमना शुरू कर दो। सही, आप काफी बिजी रहते हैं। तो आईक्यू लेवल आपका कितना अच्छा है? बस 100 ही है। पाकिस्तानी जो आईक्यू लेवल उनका होता है जो बड़ी रिच कौमें हो, गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। हमारा उस लेवल पे कोई ऐसा कोई बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रिच कॉम का कोई इसमें कोई तल्लक नहीं, नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। अगर मेरे पॉकेट में आप बताएं ना, मुझे पता होगा मुझे ये मिल जाना तो मुझे फिर आई क्यू लेवल मेरा देखे मैं कमाल कर जाऊँ। अच्छा चलिए, मैं बड़ा आसान सा सवाल पूछूंगी आपसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि समंदर के दरमियान में क्या होता है? समंदर के दरमियान में उसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे जमीन का गोल होता है दरमियान वाला ऐसा होता है, समुंदर के दरमियान में पानी और नीचे मछली होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। नहीं मछली तो हर जगह होती है, वो सिर्फ दरमियान में नहीं ना होती, वो आगे पीछे इधर उधर हर जगह होती है। वो ऐसी चीज बतानी है जो सिर्फ दरमियान में होती है। वो सिर्फ पानी होता है दरमियान में। दरमियान में पानी तो साइडों में भी पानी है ना, लेकिन वो दरमियान में जो पानी होगा तो साइडों पे आएगा ना। नहीं ये आंसर नहीं है, प्योर को गैस लगाए। दरमियान में
पानी हो सकता है, उसके बाद या उसका क्या कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, प्योर सवाल करूं कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। अब ये बड़ा आसान सवाल है। बिल्कुल, अगर लड़का नहीं होगा लड़की की शादी नहीं हो सकती। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कैसा टैलेंट हो, काम से हट गए, कोई ऐसा गाना गा लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर मैं बिजनेसमैन ना होता तो मैं क्या होता। अगर मैं बिजनेसमैन ना होता तो मैं एक फौजी बड़ा अच्छा हो सकता था। अच्छा नहीं 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 कर पाएगा, अरे इसकी बॉडी में वो बात नहीं है। आपके अंदर कोई टैलेंट, अब रिएक्ट करके दिखाएं ना फौजी वाला। मैं अगर 24 घंटे भी काम करूं ना मैं थकता नहीं हूं। थकते नहीं हैं माशाल्लाह से। अच्छा क्या सुनाएंगे आप? क्या सुना सकता हूं, जो कहें आप भी सुना देता हूं। अब गाना सुना दे जो आपको आता है, नाच जो आप सुनाना चाहते हैं। बस इस उम्र में क्या गाना आता है, आएगी 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 कभी तो हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे जीवन में, छाएगी 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 कभी तो ये बदली छाएगी, इससे आगे नहीं आता मुझे। अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जिससे प्यार करते हो आपको ना मिली हो अभी तक उसकी याद में ये गाना आप गा रहे हैं? यकीन करें मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। अच्छा, अपनी बेगम से नहीं किया? अपनी माँ से किया, उसके बाद कभी किसी से प्यार नहीं किया। अपनी बेगम से भी नहीं? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली ये किसी और लोगों का काम है प्यार करना, उसको निभाना, हम इस तरह के बंदे नहीं। हाँ मैंने प्यार किया अपने कारोबार से और अपनी माँ से या अपने बाप से। नहीं अपनी फैमिली, अपने बच्चे, वो भी तो प्यार का ही प्यार है, लेकिन वो जो मैं माँ बाप के साथ कर सका हूँ ना मैं उनके साथ भी नहीं कर सका। सरें जी बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं यही सवाल। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। क्या करती हो? स्टडी करती हूँ सेकेंड ईयर में। माशाल्लाह से। किन सब्जेक्ट में कर रही हो? मेडिकल। मेडिकल में माशाल्लाह से, बड़े होकर डॉक्टर बनना है जी। अच्छा जी, किसके कहने में बन रही हो, घर वालों का दबाव हो या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। काफ़ी टफ नहीं हो जाएगा? ईजी है। अच्छा माशाल्लाह ईजी है। अच्छा इसके अलावा और क्या करने आई हो मार्केट में? चाचू की शादी की शॉपिंग करने। वाओ माशाल्लाह से। तो और बताओ फिर क्या क्या परचेज कर लिया? अभी तो आए हैं, अभी स्टार्ट करेंगे।